वेलकम टू माय चैनल लर्न विद एसटीडी। दोस्तों, दिस इज द मेंसुरेशन 3D पार्ट 7 सेशन। इस सेशन में हम देखेंगे राकेश यादव के क्लास नोट्स के क्वेश्चन नंबर 31 टू क्वेश्चन नंबर 35 के वीडियो सॉल्यूशन। अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि कोई भी मैं वीडियो डालूं तो सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाए। तो देर नहीं करते हुए हम स्टार्ट करते हैं सेशन। ऑलरेडी मैं 1 से लेकर 30 क्वेश्चन तक कंप्लीट करा चुका हूं। अगर नहीं देखे हैं तो आप वीडियो के प्लेलिस्ट में जाके सेक्शन में जाके आप देख सकते हैं। ऑलरेडी मैं प्लेलिस्ट जनरेट कर चुका हूं। तो क्वेश्चन नंबर 31 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 कह रहा है कि 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाली किसी वृत्ताकार शीट से 40% क्षेत्रफल वाला एक वृत्ताखंड निकाल लिया गया और बची हुई सीट से एक शंकु बनाया गया। लो, हमारे पास कोई एक वृत्त है। वृत्त से ये बताओ, ये सेंटर है तो ये कहलाएगा क्या? रेडियस। रेडियस हमारा, रेडियस की वैल्यू कितनी दी हुई है? 10। ये भी कितना दिया? 10। हमने क्या कर दिया, 40% इसमें से क्या कर लिया, निकाल लिए। तो 40% निकाल लिए और बची हुई सीट से, बची का मतलब क्या है? अब बचा कितना तुम्हारे पास? 60% बचा। 60% से हम क्या बना लिए? सीट से एक शंकु बनाएगा। लो, शंकु बना दिया। तो ये बताओ, जो इसकी रेडियस से बनाएंगे, ये वाला देखो, ऐसे ही तो शंकु बनेगा ना, शंकु। तो ये 10 होगा, ठीक है। अब देखो ये कैसे, ये तो रेडियस निकाल दिया गया फाइनली। अब ये बताओ 60% में क्या बनाया? शंकु। जो इससे बनाया वो, उसका आयतन क्या होगा? सेम होगा ना। देखो आयतन, देखो इस रेखाखंड का और इसका देखो आयतन कर लो सेम। तो ये 60/100 हो गया, यानी 60% से ही इससे बनाया गया। कितना? पाई आर स्क्वायर। इसका वृत्त का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? आर स्क्वायर, क्योंकि हमने इससे ही बनाया। तो क्षेत्रफल क्या करना पड़ेगा? आर, आर का मतलब 10 × 10 इज इक्वल टू, इससे बनाया था ये वाला चीज क्या बना है? पाई इंटू, इसकी रेडियस निकालनी है हमें, आर, आर इंटू एल, एल कितना है तुम्हारा? 10, क्योंकि इसी के 60% से ही हम ये बनाया। तो 60% ऑफ वृत्त की एरिया इज इक्वल टू इसका एरिया, क्योंकि इसी से हमने बनाया है तो इसका एरिया भी सेम ही होगा इसके 60% के। तो देखो 100 से क्या कर लिया हमने, 100 को काट लिया, 10 से 10 काटा, ठीक है। आर से, आर पाई से पाई काट लिया, तो इधर 6 बच गया और इधर क्या बच गया तुम्हारा? आर। तो आर की वैल्यू क्या आ गई? 6। अब देखो हमारे पास ये चीज़ आ गया। मैं देखो ये डायग्राम में बना रहा हूँ, नहीं तो अदरवाइज बहुत आसान था। इसको देखो, वैसे मैं बना देता हूँ लेकिन बहुत, देखो ये चीज़ था हमारे पास, ये आ गया, ये 6 है और हमारे पास ये 10 है। तो ऑलरेडी है ये ऊंचाई कितने हो जाएगी? 8। अगर नहीं पता चला तो देखो मैं एक बार निकाल देता हूँ, ये 6 है, ये 10 है, तो ऑलरेडी है ये 8 होगा, क्योंकि मैंने आपको बताया था 6, 8, 10 भी क्या है? एक ट्रिपलेट है। तो ये 10 है और ये 6 है, तो बचा वाला क्या हो गया? 8, क्योंकि 90° आ जाएगा। तो आयतन, शंकु का आयतन कितना होता है? 1/3 πr² h। देखो पाई, पाई की वैल्यू 22/7 इंटू आर, आर की वैल्यू कितनी है? आर स्क्वायर 6×6। हाइट कितनी है? h, h की वैल्यू 8 है। कैलकुलेट कर लो, कैलकुलेट कर लोगे तो पाई की, पाई में ही रहने दो, तो ये कितना हो जाएगा? 3×2 = 6, तो कितना हो गया? 6×2 = 12, 12×8 = 96, 96 और पाई 22/7 को क्या लिख दो? पाई। तो ये क्या हो जाएगा आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 क्या कह रहा है कि आर सेंटीमीटर त्रिज्या वाले किसी वृत्ताखंड की दोनों त्रिज्याओं को मोड़कर एक शंकु बनाया गया। लो आर सेंटीमीटर वाले त्रिज्याखंड, लो हमने त्रिज्याखंड, ये आर है और ये आर है। मैंने एक दिन और कॉन्सेप्ट बताया था, कल अगर मेंसुरेशन 2D की आपने वीडियो देखी होगी पार्ट 1 से लेके पार्ट 5, तो वहाँ पे मैंने बताया था एक ही केस में ये हो सकता है, या तो 90° हो या तो कोण समद्विबाहु त्रिभुज हो। तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? θ/360 × πr², क्योंकि इसी से मोड़कर एक शंकु बनाया गया है ना, तो इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? πr². कितना? एंगल से मोड़े हैं। अब एंगल मैंने आपको बताया था समकोण समद्विबाहु, समकोण होगा तो 90 × 360 × πr², यानी क्या हो गया? πr² / 4, इसका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से आप क्वेश्चन बना सकते हो। अब बात आती है गोला। गोला का मतलब क्या है? हमारे पास एक गोला है, गोला का रेडियस क्या होता है, आयतन क्या होता है? 4/3πr³, याद रखना पड़ेगा। पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? 4πr² और कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल भी सेम ही होता है, 4πr², लेकिन अर्धगोला, मतलब इसको बीच से काट दो तो अर्धगोला बन गया। अर्धगोला का आयतन, जो इसका आयतन होगा उसका हाफ, तो लो 2 बाई, अगर 4/2 से भाग कर लो तो 2/3, अगर पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल इसका 4πr² था तो इसमें डिवाइड कर लो 2 से तो 2πr². कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बस यहाँ पे चेंज होता है, क्यों? क्योंकि 2πr² और प्लस πr² 3πr² हो जाता है, यानी ये चीज़ें आपको याद
रखनी पड़ेगी, इतना तो याद रखना ही पड़ेगा, क्योंकि फार्मूला बिना आप आगे नहीं बढ़ सकते। अब नेक्स्ट देखो, इस पे कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन कैसे आते हैं। जैसे देखो, एक चीज़ और मैं आपको बता दूं, यहाँ पे नोटेबल पॉइंट नोट डाउन कर लेना, ये बहुत ही, आप नोट्स बना रहे होंगे तो आप नोट डाउन कर लेना। यदि एक गोले को एन भागों में काट दिया जाए, ठीक है, तो एन भागों का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, 4πr² प्लस, ये देखो, एन इंटू πr², ठीक है। यानी कि अगर मैं दो भागों में काटूंगा तो पहला तो 4πr² होगा, इंटू एन की वैल्यू क्या रखूंगा, 2 2πr², ये चीज हो जाएगा। जैसे देखो क्वेश्चन में, यहाँ पे देखो क्वेश्चन में क्या मेंशन है, एक गोले को इसके व्यास के समानांतर दो भागों में बांट दिया गया। कोई गोला है, ठीक है, उसके व्यास के समानांतर गोला है, एक गोला था पूरा का पूरा, ये गोला था, इसके व्यास के समानांतर मतलब इस तरह में बांट दिया गया, दो भागों में बांट दिया गया, व्यास के समानांतर ऊपर एक गोला बन जाएगा और नीचे भी क्या बन जाएगा, एक गोला बन जाएगा, इस तरह से बन जाएगा। तो कह रहा है दो भागों में बांट दिया गया, दोनों भागों का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, दोनों भागों का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालो। मैंने यही फार्मूला, देखो फार्मूला यूज कर लो, 4πr² प्लस nπr², देखो 4πr² तो होगा ही होगा, ठीक है। अब देखो एन का मतलब क्या, दो बार आया ना, एक गोला ऊपर एक गोला नीचे, 2 2πr², कोई दिक्कत है, तो बन क्या जाएगा, 6πr², इसका क्या हो जाएगा आंसर। तो इतना आसान क्वेश्चन था, ठीक है। नेक्स्ट नेक्स्ट देखो, एक क्वेश्चन कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 34, एक अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना है, 1848। अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता कितना है, होता है 3πr², ठीक है, इतना। तो अब ये बताओ, मैं यहाँ से कर लूँ, 1848 इज इक्वल टू 3 × π की वैल्यू कितनी होती है, 22/7 इंटू क्या, r² निकाल लूँ। अब देखो यहाँ से r² करूँगा तो क्या हो जाएगा, अगर निकालना होगा तो 7 × 7 × 4 हो जाएगा, ठीक है, कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है, आप मल्टीप्लाई कर लेना, 3 से 8 4 12 8 20 1 21, 3 से ये कट जाएगा, फिर 22 से ये कट जाएगा, 7 × 28 ये बार में, यानी कि 66 से डायरेक्ट 28 बार में, 7 4 28 ये कटा लेना, मुझे आर की वैल्यू क्या हो जाएगी, 28 × 7 हो जाएगा ना, 7 4 28, हाँ ठीक है 28, और इधर से करोगे 28 × 7 तो ये हो जाएगा आर की वैल्यू। तो आर की, आर स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो गया, 7 × 7, इसको मैं लिख दूँ 2 × 2, तो आर की वैल्यू एक यहाँ से 7 निकाल लो, 7, और एक यहाँ से 2 निकाल लो, अपने अकॉर्डिंग ये कैलकुलेशन कर लेना, आर की वैल्यू क्या आ गई, 14। जब आर की वैल्यू 14 आ गई तो व्यास, व्यास क्या होता है, रेडियस का डबल होता है, 2r, यानी कि 2 × 14 कितना हो गया, 28। ये कैलकुलेशन अपने अकॉर्डिंग कर लेना, अगर आपको प्रॉब्लम आ रही होगी तो, इस तरह से क्या हो जाएगा आंसर, अगर सेंटीमीटर में था तो 28 सेंटीमीटर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 क्या करा है, देखो एक बेलन और एक बेलन और शंकु की आधार त्रिज्या और ऊंचाई क्या है, समान है, ये बेलन है, इसकी क्या है आधार त्रिज्या आर, और इसकी भी आर, और आच और एच, ये क्वेश्चन में कर रहा है। यदि उनके वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात इतना है, ठीक है, 8:5, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता क्या है, देखो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है हमें बेलन डिवाइडेड बाई क्या करना है, शंकु का वक्र पृष्ठीय, अब मैं दोनों को लिख नहीं रहा हूँ, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, क्षेत्रफल, लो हमने क्षेत्रफल लिख लिया, ऊपर वाले का होता है, अगर बेलन की बात किया जाए और शंकु की बात की जाए, तो बेलन होता है, देखो हाँ क्वेश्चन कर रहा है उसके वक्र पृष्ठ, अच्छा ठीक है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, अगर बेलन की बात की जाए, देखो हम में डिपेंड करता है, तो उनके त्रिज्या और ऊंचाई का अनुपात क्या होगा, उनके त्रिज्या और ऊंचाई का अनुपात क्या होगा, तो बेलन, अच्छा ठीक है, क्वेश्चन क्षेत्रफल, अब ये बताओ बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है, 2πr² 2πr², और शंकु का कितना होता है, πr × क्या होता है, r + h, ये मैंने फार्मूला बताया था एक क्वेश्चन में, कितना गिवन है, 8/5। अब देखो दूसरी चीज, 2πr² तो है, ठीक है, डिवाइडेड बाई πr, ठीक है। अब देखो r + h, अब थोड़ा सा आपको एक चीज़ देखना पड़ेगा, देखो जैसे आपको देखो, हाँ यहाँ पे एक सेकेंड, यहाँ पे ये चीज़ नहीं होता, शंकु का वक्र पूछ रहा है ना, देखो शंकु का यहाँ पे वक्र कर रहा है, तो होता है πr(l). अब देखो मेरे पास ये है r है, ये हाइट h है, और ये 90 डिग्री, ये कहलाता है क्या l, ये कहलाता है l, तो l क्या हो जाएगा, पाइथागोरस थ्योरम से अंडर रूट h² + l, h² + r²
पाई आर तो हमने लिख लिया पाई आर, एल क्या होता है अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो गया 8/5। सोल्व करना है सोल्व कर लो, पाई आर से पाई आर कैंसिल हो गया, 2h डिवाइडेड बाई अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो गया 8/5। सिंपल मैं स्क्वायरिंग कर लूँ, स्क्वायरिंग करूँगा तो क्या हो जाएगा 4s स्क्वायर, बोथ साइड स्क्वायरिंग कर लूँ एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो गया 8/5। अब हमें क्या निकालना है देखो, अब सिंपल सा चीज़ मैं कर लूँ, ऐसा कर लेता हूँ देखो, हाँ यहाँ से निकाल लो देखो, देखो यहाँ से हो जाएगा 20 और ये कितना हो जाएगा 8 20 8, यानी कि h बाई आर कैलकुलेट कर लो तो कितना हो जाएगा 8/6। ठीक है, इधर हो जाएगा ओके, स्क्वायरिंग करूँगा तो 64/ कितना हो जाएगा 25, 64/25 क्रॉस मल्टीप्लाई कर लोगे तो ये मिल जाएगा, यानी कि 4/ क्या मिल जाएगा 3। और यही तो पूछ रहा है उसके त्रिज्या और ऊंचाई का अनुपात, त्रिज्या r बाई एच कर लूँ तो r बाई एच करूँगा तो 3/4 हो जाएगा, अगर h बाई आर अगर 4/3 है तो r बाई एच क्या हो जाएगा, ये कोई चीज़ पूछ सकता है, अब डिपेंड करता है क्वेश्चन के ऑप्शन के अकॉर्डिंग। ठीक है, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो आप मेरे वीडियो को लाइक करें, अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि कोई भी मैं वीडियो डालूँ तो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक यू, बाय बाय, मिलते हैं हम नेक्स्ट पार्ट में, थैंक यू।